विकास विकास हो रहा है, विकास बीजेपी के नेताओं का विकास हो रहा है, बीजेपी के नेताओं का विकास हो रहा है, इसमें देश का कोई विकास नहीं हो रहा। मणिपुर की हिंसा देख लीजिए आप, ये देश विकास है? आपका देश कहाँ जा रहा है? मणिपुर की हिंसा क्या कहेंगे आप? आपका देश कहाँ जा रहा है? आप भी देश के वासी है, बेच दिया है। नोटबंदी कर दी जाती है, हिटलर शाही आती है, आज नोट बंद हो गए, कल सुबह उठो पेपर में पता चलता है नोट बंद हो गए, कल सुबह उठो पता चलो एक महिला का रेप हो गया है, कल सुबह पता चलता है छोटी बच्ची को घर से अपहरण कर लिया गया है, कल सुबह पता चलता है महंगाई चरम सीमा पे, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, कल सुबह पता चलता है पेपर में कि फलाना किसान फलाने प्रदेश में आत्महत्या कर लिया है, फांसी पे लटक गया है, अपने पीछे चार बच्चों को छोड़कर फांसी पर लटक गया है, कल सुबह पता चलता है कि पूरे परिवार ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, मुद्दा पता चलता है तो लोन बेरोजगारी लिया हुआ, भाजपा के लिए तो बेमिसाल है, भ्रष्टाचार चरम पे था, उनके घर भर गए तो बेमिसाल है, सबको पता है कि उनके कितने भ्रष्टाचार है, भाजपा के बराबर भ्रष्ट सरकार और बीजेपी के बराबर भ्रष्ट कोई पार्टी देश। क्योंकि इस बात की खुशी हुई कि सिर्फ मोदी जी के सवाल सुन सुन के जो मीडिया इस तरीके से मोदी भक्त बनी हुई है, इससे मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मणिपुर मुद्दे पे जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब मैं जरूर दूंगी कि मणिपुर में उस महिला अकेले के साथ हिंसा नहीं हो रही, जिन महिलाओं के साथ हो रही है वो हर एक महिला की इज्जत को तार तार करने वाली घटना है। जब आप इस घटना को देखते हो और एक महिला होने के नाते अगर आपके आंसू ना आ जाएं तो ये बहुत छोटी बात है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि महिला में इतना बड़ा मणिपुर में हिंसा हो जाती, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, मूक दर्शक बनी हुई भाजपा का एक भी नेता या एक भी मीडिया जाके उनसे सवाल ही पूछता, हैरान करने देने वाली बात है। और उसके बाद आप कहते हो कि मोदी जी दुखी हैं, मोदी जी दुखी, दुखी क्या होता है भैया? आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपको तुरंत ऑर्डर लाना पड़ेगा, आपको तुरंत कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी, आपको मीडिया के सामने जवाब देना पड़ेगा। मीडिया जाके सवाल नहीं पूछती, मणिपुर के खिलाफ घटना होती है, युवा कांग्रेस लगातार, राहुल जी लगातार आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ दबाने का काम किया जाता है, महिलाओं को जेंट्स पुलिस मारती है, महिलाओं के कपड़े फाड़े जाते हैं, जेंट्स पुलिस महिलाओं के कुर्ते खींच के बैरिगेट से नीचे पटक देती है, ये सब सही है? संसद, ये सब सही है? संसद में बात होगी, 11 अगस्त की डेट दी है अमित शाह ने, देखिए मणिपुर पर ही। हाँ बहुत बढ़िया है भैया, आप डेट दीजिए, मणिपुर का मैटर इतना सीरियस है, बात होगी, 11 तारीख को बात होगी, इतना बड़ा मुद्दा हो जाता है, क्या पहुंच गए आप उनके परिवार में? गए क्या आपने परिवार की, वो उन महिलाओं के, उनके परिवार के आंसू पोंछे, जानने की कोशिश की कि वहां पर क्या हुआ है? 11 तारीख को आपने एक अल्टीमेटम, एक बयान जारी दे दिया कि हाँ 11 तारीख को बात करेंगे। हिटलर शाही चल रही है देश के अंदर, हिटलर शाही चल रही है, ये हिटलर शाही नहीं है तो क्या है? मणिपुर नहीं गए हैं, 3 महीने से ज्यादा हो गए, हिंसा हो रही है वहाँ पर। इस बात का सवाल तो भैया आप लोग को उनसे पूछना चाहिए, प्रेस जवाब क्यों नहीं मानती है? प्रेस के सामने कहाँ आते हैं, वो तो अपनी बात कह रहे हैं, वही बात है ना, तो प्रेस दिखाए ना कि वो मूक दर्शक बने हुए हैं। मोदी जी अमेरिका में देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ क्योंकि वहीं पर उनको वाहवाही चाहिए रहती है, देश से उनको कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, देश बेच दिया उन्होंने, नोटबंदी। विकास कर रहा है, आप बेचने की बात कर रहे हैं, विकास विकास हो रहा है, विकास बीजेपी के नेताओं का विकास हो रहा है, बीजेपी के नेताओं का विकास हो रहा है, इसमें देश का कोई विकास नहीं हो रहा। मणिपुर की हिंसा देख लीजिए आप, ये देश विकास है? आपका देश कहाँ जा रहा है? मणिपुर की हिंसा क्या कहेंगे आप? आपका देश कहाँ जा रहा है? आप भी देश के वासी है हमारे साथ, आप बोल रहे हैं देश बेच दिया, किसको बेचा, किसने देखा? अडानी अंबानी किसने नहीं देखा, किसने नहीं देखा, जो प्राइवेट कर दिया गया है सब कुछ, पूरा देश बेच दिया है, नोटबंदी कर दी जाती है, हिटलर शाही आती है, आज नोट बंद हो गए हैं, कल सुबह उठो पेपर में पता चलता है नोट बंद हो गए, कल सुबह उठो पता चलो एक महिला का रेप हो गया है, कल सुबह पता चलता है छोटी बच्ची को घर से अपहरण कर लिया गया है, कल सुबह पता चलता है महंगाई चरम सीमा पे, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, कल सुबह पता चलता है पेपर में कि फलाना किसान फलाने प्रदेश में आत्महत्या कर लिया है, फांसी पे लटक गया है, अपने पीछे चार बच्चों को छोड़कर फांसी पे लटक गया है, कल सुबह पता चलता है कि पूरे परिवार ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, मुद्दा पता चलता है तो लोन बेरोजगारी लिया हुआ कर्ज, ये तो कांग्रेस सरकार ने भी पहले था ना ये सब, कांग्रेस सरकार ने हमेशा सामने आकर जवाब दिया है, अगर कोई भी घटना घटी है उसका सामना किया है और उसके जो भी दोषी हैं उनको दंड देने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। जो है अपने 9 साल की उपलब्धियां गिनवा रही है, इस पर क्या कहेंगे? 9 साल बेमिसाल वो भाजपा के लिए है, भाजपा के लिए तो बेमिसाल है, भ्रष्टाचार चरम पे था, उनके घर भर गए तो बेमिसाल है भाजपा के 9 साल। मोदी जी तो नारा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो तो सबको पता है कि उनके कितने भ्रष्टाचार है, भाजपा के बराबर भ्रष्ट सरकार और बीजेपी के बराबर भ्रष्ट कोई पार्टी देश में नहीं। कांग्रेस के नेता कैसे शामिल हो गए उसमें जाकर? देखिए कांग्रेस के नेता भी लगातार, देखिए भैया एक चीज होती है, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस बहुत बड़ा समुद्र है, यहाँ व्यक्तिगत किसकी क्या राजनीति है, व्यक्तिगत आदमी क्या निर्णय लेता है, उसका व्यक्तिगत निर्णय है,
कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा समुद्र है, आजादी के समय से कांग्रेस लड़ाई लड़ती आई है। कुछ गद्दार पार्टी के अंदर होते हैं, कुछ बेईमान पार्टी के अंदर होते हैं, कुछ लालची पार्टी के अंदर होते हैं, जो कुछ लालच के कारण सत्ता बदल लेते हैं। पर ऐसे लोगों की औकात दूसरी पार्टी में भी कुछ नहीं रह जाती। महाराज जी मध्य प्रदेश से आते हैं, ग्वालियर के राजा, वो चले गए आपकी पार्टी छोड़कर। देखिए ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, हमने आपको अभी क्या बोला इसका जवाब मैं पहले ही दे चुकी हूँ। क्या होगा मध्य प्रदेश चुनाव में, क्या होगा मध्य प्रदेश चुनाव में? एक तरफा कमलनाथ जी की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, सबसे ज्यादा विधायक कांग्रेस के आ रहे हैं। पिछले बार भी कांग्रेस की सरकार आई थी, किसी को खरीद के सरकार बना लेना जनता का वोट नहीं होता। ऐसे कैसे खरीद लेंगे, हर बार कोई वो नहीं होता ना, हर बार कोई धोखा नहीं दे। विधायक बिकते क्यों हैं? हमारे विधायक कोई नहीं बिकते, कुछ व्यक्तिगत, मैंने आपको बोला कुछ व्यक्तिगत लोगों की वजह से पार्टी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठता, कुछ व्यक्तिगत लोगों के कारण पार्टी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठता। पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं वो आपके साथ नहीं, बीजेपी के साथ हैं। ये उनकी व्यक्तिगत, उनकी राजनीतिक सोच है कि उनने किस पार्टी को चुना है, इससे कोई लेना देना नहीं। वो एक धर्म की जब बात करते हैं तो धार्मिक हम सुनते हैं, धर्म से हमारी आस्था है, हम धार्मिक रूप से उनको सुनते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक जो उनके विचार है उससे हमारे विचार बिल्कुल मेल नहीं खाते। तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी स्वागत कर रहे थे। मैंने आपको अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी ढकोसला या ढोंग नहीं करती धर्म का। कांग्रेस पार्टी की दिल से आस्था है हनुमान जी में, राम जी में, सभी देवी देवताओं में। कांग्रेस पार्टी उसी के तहत जब कोई धर्म की बात करता है, भगवान की बात करता है, उसको सुनने बुलाते हैं, लेकिन राजनीतिक उनकी क्या सोच है उससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना। इनकी सरकार हर जगह बन रही है, मध्य प्रदेश में बन पाएगी आपकी सरकार? हमारी सरकार बनी बनाई है, हमें तो पूरा पता है कि कांग्रेस को जनता बहुत चाह रही है, कांग्रेस के साथ है मध्य प्रदेश की जनता, पिछले बार भी थी और इस बार भी है। मोदी जी भगवान है, मोदी जी भगवान से ऊपर वाला है, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे जीसस हो, चाहे शिव भगवान भोलेनाथ हो या कोई भी हो, वो सब ऊपर वाला सिर्फ वही है और कोई भगवान नहीं बन सकता इसके अलावा। कांग्रेस भगवान की तरफ जा रही है और बीजेपी संविधान की तरफ जा रही है। योगी कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, किसी पाखंडवाद से नहीं चलेगा। मोदी जी से और योगी जी दोनों सिर्फ कह रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी संविधान की बात करती है और लोकतंत्र की बात करती है। कांग्रेस का जो कल्चर है वो संविधान और लोकतंत्र में ही जिंदा है। ईवीएम को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है 2024? बिल्कुल, ईवीएम की मशीन है। मोदी जी जैसे मीडिया को खरीदे हैं भैया, जैसे अडानी अंबानी सोशल मीडिया सब कैप्चर है, क्या पता किस टेक्नोलॉजी को ले आए वो, क्योंकि वो तो जिस तरीके से नई टेक्नोलॉजी राहुल जी को 2 साल के लिए फर्जी तरीके से संसद से बाहर किया था, तो ऐसे फर्जीपन बहुत भरा है उनके अंदर, कुछ भी कर सकते हैं। चीन से क्या रिश्ता है कांग्रेस का, क्योंकि ये मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए क्या है, वो चीनी सामान मैंने तो नहीं खरीदा तो मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन बात यह है कि मोहब्बत की दुकान तो सबके लिए होती है, नफरत की दुकान नहीं हमारे पास भैया, हमारे पास तो मोहब्बत की दुकान है। पाएंगे जैसे मणिपुर और नू में, बिल्कुल, तभी वहां पर तुरंत यूथ कांग्रेस वहां पर सामान देने का, जो भी उनको सुरक्षा देने का काम यूथ कांग्रेस ने वहां जाके किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, कांग्रेस के लीडर्स ने किया, तत्काल वहां कांग्रेस के लीडर वहां पहुंच गए और हमने जाके वहां मोर्चा संभाला, जबकि ये काम सरकार का था। मैडम धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे, क्या कहेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या मांग कर रहे हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा काम है, मेरी पार्टी ने मेरे को सिखाया है कि आपको मुख्य मुद्दों पे लड़ाई लड़नी है, जनता की लड़ाई लड़नी है, फालतू बातों में समय बर्बाद नहीं करना। क्या मुद्दे हैं जनता के? फालतू बातों में समय बर्बाद नहीं करना। क्या मुद्दे हैं? राम राज आ गया मैम, राम राज्य आज नहीं आ गया भैया, इतिहास से राम राज्य था। ये क्या बातें करते हैं, मजाक बना रहे हैं क्या? देश का इतिहास पढ़ा नहीं है इन लोगों ने? राम राज्य सदियों से था अपने यहाँ, ये जैसे अभी कलयुग चल रहा है ना, युग चलते हैं, ये धर्म पे मैं भी बहुत देर बोल सकती हूँ भैया, लेकिन मैं धर्म पे बोलने मेरा कार्य नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि राम राज्य आज से नहीं था, राम राज सदियों से चला आ रहा है और हमारी जो भावना है सीताराम बोलने की है, सीताराम बोलते हैं हम लोग, सीताराम, सियाराम, सियाराम, सियाराम। आप चाहते हैं राम राज कायम रहे, आप चाहती हैं राम राज राम राज कायम कह रहे भैया, राम राज सदियों से चला आ रहा है, राम राज्य कोई आज का ये फालतू के मुद्दे, जहाँ सीता को परीक्षा देनी पड़े, अग्नि परीक्षा देनी पड़े, ऐसा राज चाहती है संविधान का जहाँ आपको ये बीजेपी चाहती है, ये बीजेपी चाहती है, ये बीजेपी का राम राज्य पर्सनल व्यक्तिगत व्यक्तिगत राम राज्य वाले राम राज में भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी ना एक महिला को? राम जी इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, राम जी ने नहीं दी, ये व्यक्तिगत जो हुआ देखिए वो इतिहास है, ये धर्म की बात है, इसको धर्म की बात को कोई संत से करना अच्छा रहेगा, हम जैसे युवाओं को ये संत जो देखिए संत कौन करेगा, हम तो इस बात का महिला के हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, संविधान हमारा, मैंने क्या बात आपको बोली, जो संविधान और लोकतंत्र बोलता है।